आम्रपाली में घर खरीदारों के लिए खुशखबरी है, यानी दशहरा और दिवाली के बीच या उसके बाद घर खरीदारों को उनके फ्लैट मिलेंगे। कितनों को मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इन सारी बातों पर घर खरीदारों के वकील हमारे साथ हैं, एमएल लाहौटी जी। लाहौटी जी, आज बड़ी सुनवाई में बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं संजय आप। आज हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो मिस्टर स्वामी हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनबीसीसी के, उनसे हमें ये इनपुट मिली कि करीबन 11,000 या 11,000 से भी कुछ ज़्यादा यूनिट जो हैं वो अक्टूबर एंड या नवंबर तक होम बायर को कंप्लीट कर और मिल जाएगी। और ये अच्छी खबर इसलिए है कि करीबन 35,000 से 36,000 नई यूनिट बननी है, तो ये लगभग एक तिहाई यूनिट है सारे आम्रपाली के प्रोजेक्ट में जो कंप्लीशन स्टेज पर है। और ये इनका निर्णय अक्टूबर नवंबर बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसमें एक घंटा करीब सुनवाई चली, तो उन सुनवाई में और किन किन मुद्दों पर बात हुई? हाँ, आज जो चीफ जस्टिस उदय ललित है उनका पहला प्रश्न ये था कि और कितनी हियरिंग आम्रपाली में चलेगी, क्योंकि आज की हियरिंग मेरी समझ में 190वीं हियरिंग थी। और चूंकि चीफ जस्टिस उदय ललित ज़्यादा दिन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, 5 या 6 नवंबर तक वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनका ये सोचना था कि एक कार्यक्रम रखा जाए, रूपरेखा रखी जाए कि आगे कितनी हियरिंग थी। जब मेरे से पूछा, मैंने कहा कि 3 हियरिंग यदि आप 2-2 घंटे की स्पष्ट रूप से हमें दें तो हम इस पूरे केस को समाप्त कर सकते हैं। और कोर्ट के पूछने पर मैंने बताया कि कौन कौन से खास टॉपिक हैं जिसके ऊपर सुनवाई या आदेश आना जरूरी है। नंबर 1, हमने कहा कि रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। जो ये 2 डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा, शिवप्रिया और उनके परिवार, 913 करोड़ रुपए उनसे वसूल होना था जो उन्होंने गबन किए होम बायर के पैसे, और 913 करोड़ में सिर्फ 13 करोड़ वसूल हुआ है। तो 900 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, इसको इसका रिकवरी का जो प्रणाली है या प्रोसेस है उसको शुरू करना जरूरी है। नंबर 2, हमने कहा सुरेखा फैमिली एक ग्रुप है जिसके बारे में फॉरेंसिक ऑडिटर ने कहा था कि इस पूरे घपले के पीछे सुरेखा है या अनिल शर्मा वगैरह मालूम नहीं, उनसे हमें 750 करोड़ की वसूली करनी है। तो हमने कहा कोर्ट को कि ये 2 वसूली हो जाती है तो 1600 करोड़ रुपए की ऊपर की वसूली है, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने कही कि ये जो अनसोल्ड यूनिट है, अनसोल्ड है, बोगस बुकिंग है वगैरह, और डिफॉल्टर काफ़ी हैं, उनका सब मिला के करीबन 8,000 यूनिट से ऊपर होती है। तो ये 8,000 यूनिट को जितनी जल्दी हो बेचा जाए, और ये 3 मुद्दों के अंदर ही करीबन 2,500-3,000 करोड़ आ जाते हैं। और आज की परिस्थिति में यदि 2,500-3,000 करोड़ एनबीसीसी को दिया जाए तो निसंदेह हो सकता है कि अगले साल के आखिर तक प्राय सब यूनिट आम्रपाली की कंप्लीट हो जाएगी। लाहौटी साहब, आज की सुनवाई की शुरुआत और समापन दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हुए। समापन से हम शुरू करते हैं जिसमें जोगिंदर सिंह, जो पिटिशनर इन पर्सन हैं, उन्होंने अपनी बातें कहने की कोशिश की और चीफ जस्टिस ने कुछ देर सुना, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको जो बात कहनी है अपने वकीलों के जरिए कही। फिर उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही कि जो वकील घर खरीदारों के वो तो उनसे पैसे मांगते हैं। कोर्ट ने फिर अपने ऑर्डर में भी लिखा है कि नहीं, ये जोगिंदर सिंह इनसे मिलेंगे और इनको अपनी बात बताएंगे और वो बात कोर्ट तक आएंगे। तो क्या मसला था ये? देखिए संजय, हम हजारों नहीं लाखों होम बायर के केस करते हैं, और ये स्पष्ट है कि कोई होम बायर बेचारा बड़े रूप में जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स की फी होती है वो नहीं दे सकता, क्योंकि आज जैसा मैंने कहा आम्रपाल में 190वीं हियरिंग थी। कौन होम बायर है जो हम लोगों के चार्जेस, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में जितने भी आर्गुइंग लॉयर हैं 3 लाख से लेकर 15 लाख रुपये तक लेते हैं। तो हमारा एक सिंपल सिस्टम है कि हम लोग होम बायर का एक ग्रुप बनाते हैं, या तो RWA होता है या एक ग्रुप बनाते हैं और उनसे एक लमसम चार्ज करते हैं। हमें मालूम है कोई होम बायर जितनी हियरिंग होती है, हम यदि पर हियरिंग के हिसाब से चार्ज करें वो दे नहीं सकते। इसलिए और जोगिंदर सिंह ने जो एक मजाक में सीरियस बात करने की कोशिश की वो पूर्ण रूप से गलत थी कि मेरी फी हर प्रश्न की या क्वेश्चन की होम बायर की एक अमाउंट है, जो जोगिंदर सिंह ने बोला वो पूर्ण रूप से गलत है। मेरे सब होम बायर क्लाइंट, चाहे वो यूनिटेक के हैं, जेपी के, आम्रपाली के, रहेजा के, लोडा के हैं, बीपीटीपी के हैं,
पार्सनाथ के सब इस बात को जानते हैं। तो अब ये भी है कि जो आपके ऑफिशियली क्लाइंट नहीं है वो भी आपसे आके मिलके अपनी गुहार लगा सकते हैं कोर्ट में अपने आदेश में भी कहा है। और उसके अंदर मैं कभी कोई चार्ज नहीं, कोई होम बायर यदि मेरे से कोई एडवाइस लेता है तो एक बार यदि वो मेरे साथ बैठता है 15 मिनट आधे घंटे उसके जो भी प्रश्न है, और रादर हम चाहते हैं कि उनके प्रश्न क्लियर करें उसके बाद उनका केस लें या नहीं लें वो डिसाइड करें। हो सकता है उसका केस बनता नहीं तो हम किसी होम बायर जो ऑलरेडी इतना तड़प चुका है बिल्डर के हाथों पे, हम नहीं चाहते कि उसके ऊपर हमारा कोई फाइनेंशियल बोझ होम बायर को। कई जगह लिखा होता है चिकित्सा सलाह मुफ्त है इलाज के पैसे लगेंगे, तो वो सही है। हमने समापन से शुरुआत की, अब शुरुआत से समापन करना चाहते हैं इस बातचीत का। आपने शुरुआत में जब सुनवाई शुरू हुई तो आपने चीफ जस्टिस से कहा कि आप 35वें चीफ जस्टिस हैं जिनके आगे मैं जिनको एड्रेस कर रहा हूं। तो कोर्ट ने आपसे पूछा, चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप 35वें चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए? फिर आपने अपने फ्यूचर की योजना भी बताई, क्या योजना है वो? देखिए, मैं 1974-75 के बीच सुप्रीम कोर्ट आया था और मेरे को याद है उस वक्त चीफ जस्टिस एन रे थे, सुपर सेशन हो चुका था और एन रे आए थे। तो चीफ जस्टिस एन रे से लेके और चीफ जस्टिस उदय ललित तक 35 चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया में हमारे सुप्रीम कोर्ट के, और हर चीफ जस्टिस के सामने मैं पेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बहुत गिने चुने शायद लॉयर हैं अभी जो 35वें चीफ जस्टिस के सामने अपील हुए हैं। और जब कोर्ट ने पूछा तो मैंने कहा कि मैं शायद अगले 3 चीफ जस्टिस जो होंगे उनके सामने भी 40 तक जाना चाहता 40 तक, इसलिए कि जो अभी नागरत्न हमारी जज हैं उनके फादर थे इस ES वेंकटरमैया, और ES वेंकटरमैया जब चीफ जस्टिस थे तब मैं उनके सामने अपील हुआ। उनकी बिटिया है नागरत्न और मैं चाहूँगा कि कम से कम नागरत्न जब चीफ बने तो मैं अपील हो सकूँ। यानी देश में कई सारे वकील हैं, कई लोगों की विशेषता है कि वो देवताओं के केस लड़ते हैं, कई लोगों की विशेषता है कि वो रईसों के, उद्योगपतियों के, अरबपतियों के केस लड़ते हैं, और कुछ वकील ऐसे हैं जो घर खरीदारों के केस लड़ते हैं। तो ML लाहौटी साहब से हमने बात की और फिलहाल एक और घर खरीदारों के एक और मामले में सोमवार को अहम सुनवाई होनी है जिसमें गुड़गांव में NBCC के बनाए 14 मंजिल के 7 ब्लॉक्स का डेमोलिशन होना है जिसमें घर खरीदारों को मुआवजा नहीं दिया गया। NBCC उसे डेमोलिश करना चाहता है। एक ग्रीन व्यू सोसाइटी है जिसके डेमोलिशन को लेकर एक अहम सुनवाई सोमवार को भी होनी है जिसमें ML लाहौटी घर खरीदारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, उनका मामला पेश कर रहे हैं। संजय शर्मा, दिल्ली।